नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर फर्रुखाबाद से। बिजली विभाग की भ्रष्टाचारी वैसे भी किसी से छिपी नहीं है। इस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रहती हैं। ताजा मामला शमशाबाद के गांव रोशनाबाद का है, जहां के निवासी राजेश्वर पुत्र रूपलाल ने शिकायती पत्र देकर बताया कि उसका जून से जुलाई तक का बिल 2,970 रुपये आया है, जबकि उसका कनेक्शन 1 किलोवाट का है और कोई भी समरसेबल अथवा अन्य उपकरण भी नहीं है। बिल निकालने शिवम आते हैं। जब इस संबंध में उसने शिवम से कहा तो उसने बताया कि तुम 2,500 रुपये दे दो और तुम्हारा बिल शून्य करा देंगे। शिवम से हुई बातचीत का ऑडियो भी बनाया है, जिसमें शिवम कह रहा है कि 500 रुपये बाबू लेंगे, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा काम हो जाएगा, बस पैसे का इंतजाम कर लो। फिलहाल में पीड़ित राजेश्वरी ने शिकायती पत्र देकर बिल को ठीक कराने की मांग की है। हेलो। हाँ भैया, शिवम भैया बोल रहे। हाँ, ये कह रहे कि अब जी बताओ कैसे कहा हुई है भैया जी, इतना सारो मतलब जो बिल है इसकी कोई जानकारी बताओ किस तरीका से सही हुई है। तुमने उन्हें बता दे, मिले थे सुबह को। क्या बताई थी? बताई जो हम बताइए तुम्हें घर पर बताइए तो क्या जो भेज दे मैंने। हाँ, व्हाट्सएप पे मंगाए थे, कल मंगाए थे शायद। अच्छा, पैसा वैसा फिर तुमने बताए थे? हाँ, पैसा बताए थे। कितने? हम तो भूल ही गए। 2500 रुपया बताए थे और 2500 में बिलो जमा हुई है आपको। अच्छा, आगे के लिए सही हुई है। अच्छा, आगे के लिए सही हुई है। हाँ, फिर जमा मतलब छिड़काने की भाई है ये करी किन्ने भैया? करिए कोई जो है ऊपर फिजा कोई कुछ ना कुछ दिक्कत आई या मीटर जो लाइट से कम ज्यादा हम कुछ वही हुई है। जामे जो 2970 जो दिखा रहे है 2970 है जे, और जे 1 किलोवाट को हमारो है, फिर जो 1 किलोवाट को तुमने निकालो है? 1 किलोवाट निकलो है। तो फिर जो 2 महीना भैया इतने कैसे हुई गए? वो तुम्हारे जो मीटर में रीडिंग आई है पहले 1000 फिर माइनस हुई 800 रीडिंग भाई रुपया जुड़ी हो। अच्छा, पहले आपके मीटर में इतनी 1000 आपने चला ली, कोई फॉल्ट हो भाई माइनस रीडिंग है उसमें बची थी 150। ये बताओ जैसे तुम 2500 बता रहे हो जहाँ में 2970 है, फिर कैसे कहा हुई है? ये 2500 2970 बता रहे हैं उसमें जमा हुए जो है बाबू जी ले जाना रुपया दे तुम सही करके जमा कर देंगे। अच्छा, तुम्हारो नेट पे 00 ये अगले महीना जो बिल आवे वो अपना जमा कर। अगले महीना कहो फिर इतना ही आओ तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम तुम्हारे 2500 दे में फिर नहीं फिर आपकी कोई एडिंग नहीं। पहली बात तो है ना कि सही कर दिए ना फिर नहीं हुई है। कौन से बाबूजी लिए? जो ये लोग सही करोगे ना। नाम नहीं मालूम तुम्हें? नाम क्या जे मतलब जो संशोधन करते हैं बिल। अच्छा, मैंने दिखाई थी ना जे आए तो सुबह मिले हम देखो 1000 रुपया बताए थे बाबू। अच्छा, तो 2500 रुपया पूरे बताए थे मैंने दिखाया था, हमने देखो 2500 होता है, हमने तुम्हें बताया 2500 नवाबगंज वाले। हाँ, अच्छा चलो ठीक है, नवाबगंज वाले चलो ठीक है। तो फिर भैया कोशिश कर रहे हैं फिर, लेकिन हमारा मीटर सही हो जाना चाहिए। देखो कहूँ ऐसा नहीं 2500 तुम ले लो फिर हमारा अगले महीने फिर इतना आवे ऐसा ना हो। ठीक है, ठीक है, कोशिश करिए भैया तुम। ठीक, बिना पैसा तो ये नहीं है। ठीक है, आप क्या नाम है आपका? मंजू सुमन। आप घर से हैं भैया? ये हमारे हस्बैंड है, हम इनकी वाइफ है। तो क्या दिक्कत हुई थी आपको, क्या मामला है? दिक्कत ये हुई थी कि जब मीटर लगवाया था तब तो मतलब बिल सही आ रहा था, अब ये 2 महीने से ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। 2 महीने में 3000 रुपए कैसे हो गया 2970? किसने बिल किसने निकाला था? ये शिवम ने निकाला था। शिवम से क्या आपने क्या बात हुई आपकी? मैंने बात की थी उनसे पहले, इन्होंने बात हुई होगी इनसे, कहा हुआ कि इतने इतने पैसे लगेंगे, तो हमने उसको बुलाया, हमने भैया ऐसी बात है इतना पैसे मत ही लो, थोड़ा बहुत का एडजस्ट कर लो, इतने हमारे पास भी आमदनी नहीं है तो कि इतना ही हो पाएगा। पहले 1500 बोले फिर बाद में 2500 बता दिए। फिर क्या हुआ? फिर ये कह रहे कि नवाबगंज में है वहाँ वो भी लेंगे और हम भी लेंगे, मतलब पैसा भी लेते हैं। हाँ, पैसे ही की तो बोल रहे थे कि फिर हमने ये बोला हमने कि तुम पैसे ले तो लोगे 2500, लेकिन इसमें तो 2970 रुपये बिल आया है, तो ये बाद में कि पैसा कौन देगा?
जब भाई 2970 रुपये जो हैं और 2500 तुम मांग रहे हो, बाकी पैसे कौन देगा? कि इसी में एडजस्ट हो जाएगा, बिल भी हो जाएगा, इसी में तुम्हारा मतलब बिल भी निपट जाएगा और बिल भी बना मतलब वो बना देंगे, मीटर भी सही कर देंगे। तो बाबूजी कितना पैसे लेते हैं? ये कह रहे हैं कि हमको बाबूजी को देना पड़ेगा। कितना कितना लेते हैं? बोली उन्होंने कि कितना। क्या नाम है भैया आपका? राजेश सर। कहाँ रहते हैं? रोशनाबाद। क्या है पूरा मामला? मामला सर ये है कि इन्होंने 5 महीना मेरा बिल निकाला था जी, तो मैंने जमा कर दिया पूरा, फिर ये पिछले महीना आया तो हमने कि हमारा बिल निकाल दो, तो इन्होंने कहा कि वो बत्ती आई तब निकालेंगे तुम्हारा, मीटर में कट पट किया चले गए, फिर एक दो बार मिले तो हमने कहा निकालो कि वो अभी नहीं निकल पाए, बाद में निकालेंगे तुम्हारा। फिर इस महीने में आए कल परसों में 6-7 तारीख तो इन्होंने बिल निकाला कि तुम्हारा मीटर गड़बड़, तो हमने मीटर कैसे गड़बड़ हो गया कि वो ऊपर ही हो जाता है, ऊपर से हो जाता है। 2970 रुपये फिर रुके कैसे देखते हैं फिर उन्होंने 2970 रुपये इन्होंने बिल निकाला हमारा, तो हमने साहब ऐसे कैसे इतना बिल निकला कि मीटर ने कहते कि वो ऊपर से हो जाता है मीटर गड़बड़। फिर हमने इनसे कहा हमने कि कैसे क्या हुआ, कि देखेंगे तुम्हारा कि काम लगाओ सही करवा देंगे, हमने कितने में कराओ कैसे क्या हुआ कि मीटर दूसरा लगेगा, हमने तो अरे बहुत पैसे लग रहे हैं, हमने इतना कैसे बुलाएगा हमारा, कई दिन हमने साहब थोड़ा बहुत कम करा लो, तो कहीं तुम्हारा 2500 में कर देंगे, तो हमने 2500 का ही भैया ले लो, क्योंकि उसमें बाबू जी भी लेते हैं 500 रुपये के, हमको भी चाहिए। अच्छा ये कहा लेकिन तो साहब नहीं दिया इन्होंने, फिर हमने जाकर फोटो कापी हमें दो, फिर हमने कहा हमने कि एप्लीकेशन देंगे हम, तो फिर हाँ तुम दे दो। अच्छा ये एप्लीकेशन आपने लिखा है? जी सर। ठीक है, साहबगंज में बाबू जी भी लेते हैं वहाँ, ये भी बताया? नहीं, फिर तुम क्या करो जाके कि बाबू जी। फरुखाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।